वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा ये जो जान बोल्ट का 30 वाट का बियरलेसी फैन है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 30 वाट का बियरलेसी फैन है जान बोल्ट का, और इसका प्राइस बहुत ही कम है। मतलब दूसरी ब्रांड के तुलना से ये बहुत ही कम है। इसका प्राइस लगभग आपको 2200 से 2300 रुपये पड़ जाएगा। मेरे को 2250 रुपये यहाँ पर पड़ा हुआ है। जन सोलर का जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने ख़रीदा, और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा इसका अनबॉक्सिंग करके यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या चीज़ उन लोगों ने दिया हुआ है, और रिमोट वगैरह कैसे कैसे सब कुछ चीज़ है, सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो के दौरान। आप वीडियो पे बन रहिए और देखते रहिए इस वीडियो। चलिए इसको फटाफट मैं अनबॉक्सिंग कर लेता है, मतलब इसका टेयर डाउन मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो के दौरान। आप वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया, और यहाँ पे दो माउंट दिया हुआ है, ये ब्राउन कलर का है, जन बोल्ट करके लोगो दिया हुआ है। और उसको बाद ये जो माउंटिंग रॉड, हैंगिंग रॉड जो होता है, ये बहुत ही छोटा मेरे को लग रहा है। ये लगभग आपको 8 से 9 इंच, मैक्स टू मैक्स ये 10 इंच, 10 इंच का होगा है, ठीक है। और इसको इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये रिमोट तो बहुत ही फैंसी लग रहा है मेरे को, और यहाँ पे आपको रिमोट खोल के भी आपको दिखाऊंगा। देखो रिमोट थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फैंसी लग रहा है। रिमोट के अंदर बैटरी नहीं है, और इसके बाद क्या क्या चीज़ है आपको देखते रहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हैंगिंग जो बोल्ट होता है सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। 350 का RPM है, और 50 हर्ट्स, 30 वाट, 120 से 300 वोल्ट तक ये चलेगा। और यार डिलीवरी है 230 cm, और इसका 1200 mm ब्लेड है यहाँ। और ये जो BLDC जो मोटर रहता है इसको मैंने अनबॉक्सिंग करके, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको मैंने साइड कर रहा, और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ये मोटर वगैरह कैसा सब कुछ है। ये देखो ये इसका मोटर है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये एसी का एक ही कनेक्शन है। यहाँ पे ये जो कनेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे डीसी का अलग से कोई कनेक्शन नहीं है। और ये हीट वगैरह जनरेशन जो होता है यहाँ से एयर फ्लो करने के लिए ये गैप रखा गया है। आपको एक बात बताना चाहते हो, यहाँ पे ये जो LED का है यही मैं बात बता रहा हूँ। आप अगर इसको वाइड वाला परचेस करें तो यहाँ पे ये LED लाइट आपको क्लियरली दिख जाएगा, इसीलिए मैंने ब्राउन परचेस किया। और इसको मैंने ये पावर ऑन करके देखेंगे, हालांकि ये रिमोट RF या IR क्या वेस्ट है, इसको मैंने टेस्ट करूंगा। मैंने दूर से चला रहा है लेकिन ये चल नहीं रहे, मतलब ये IR वेस्ट है, ये RF वेस्ट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने पावर ऑन किया यहाँ पे, और इसको मैंने पूरा का पूरा बूस्ट पे डाला। ये देखो ये मैंने बूस्ट पे डाला, ये चलने लगे, ये देखो ये चलने लगे। और यहाँ पे वाट कंजम्पशन आप देखिए उसी के टाइप के है। और इसका मैं चला के बाहर चला के देखेंगे इसका एयर फ्लो कैसा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 वाट की जैसे ही ले रहा है, या टम्बर के जैसे ही ले रहा है विदाउट ब्लेड में। और चलिए इसको खोल के आपको दिखा रहा हूँ इसका ये जो कंस्ट्रक्शन कैसा है, बना हुआ कैसा है आपको दिखाऊंगा। ये जो स्प्रिंग वाला है इसको पहले निकाल लेना चाहिए, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये भी कॉम्पैक्ट है, ये भी कॉम्पैक्ट है, आप देख लीजिए एक बार। ये SMPS विद ड्राइवर बोर्ड, यहाँ पे ड्राइवर का कनेक्शन जा रहा है। ये देखो ये जो ड्राइवर बोर्ड है यहाँ पे ड्राइवर का कनेक्शन जा रहा है, ये रिमोट का कनेक्शन जा रहा है मतलब सेंसर का, और LED लाइट का, और यहाँ पे पावर सप्लाई भी इनबिल्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने पूरा का पूरा अंदर का कंस्ट्रक्शन मैंने दिखा दिया, और यहाँ पे अगर चाहोगे तो यहाँ से यहाँ पे कोई भी ये 12 वोल्ट का सिस्टम नहीं है हालांकि, और यहाँ पे कर तो सकते हैं लेकिन अभी छेड़छाड़ नहीं करूँगा क्योंकि ये वारंटी का मामले में पड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई, सॉरी 12 से 24 वोल्ट का सप्लाई से अंदर ये चलेगा। ये जो अब कैपेसिटर दिख रहा है ना, ये जो कैपेसिटर, अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे कनेक्शन करके देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करूँगा क्योंकि ये वारंटी पीरियड के अंदर है। और यहाँ पे ये देखो ये यहाँ पे ये जो कंडेंसर वगैरह है यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो 35 वोल्ट, अगर आप देखेगा तो आपको पूरा का पूरा क्लियर दिख जाएगा। 35 वोल्ट और 2200 माइक्रोफैराड है, इसी के अंदर आप अगर पावर सप्लाई दे दोगे तो ये आराम से चलेगा, क्योंकि ये
ये सी डी सी एक साथ काम नहीं करेगा, यहाँ पे रिवर्स राइट शायद लगा नहीं है इसीलिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इसका अंदर का कंस्ट्रक्शन ऐसा है, इसको मैंने लगा रहा हूँ और इसको टेस्टिंग करके आपको बताऊँगा ये कितना वाट तक ये कंज्यूम करता है हर स्पीड में। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने पूरा पूरा सेटअप कर दिया, और ये इस फैन का 2 ईयर्स तक वारंटी रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं 24 मंथ्स दिया हुआ है, और इसको मैंने स्टार्टिंग के टाइम देखते हैं ये कितना वाटेज कंज्यूम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंड बाई मोड पे ये शायद एलईडी जल रहा है, नहीं ये स्टैंड बाई मोड पे 2.6 वाट कंज्यूम कर रहा है। अभी इसको मैंने ऑन करूँगा, ये मैंने ऑन कर दिया, और यहाँ पे सॉरी अभी तक ऑन नहीं हुआ, ये मैंने ऑन कर दिया। और स्टार्टिंग के टाइम पे पूरा का पूरा मैं बूस्ट पे डालूंगा, ये मैंने बूस्ट पे डाल दिया, और स्टार्टिंग के टाइम पे आप देख सकते हैं कितना वाटेज कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 9 वाट से ऊपर जा रहा है, 10 वाट के आसपास, 14, 15, 206 वोल्ट, यहाँ पे देख सकते हैं 22, 23, 27, 28 वाट ले रहा है। मतलब यहाँ पे जो कंपनी ने क्लेम कर रहा है वही वाला ले रहा है। और यहाँ पे ये देखो 31 तक, 32 तक चला गया, 30 फिर से 30 आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं 27, 28 वाट कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं स्पीड डाउन करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं एक स्पीड में डाउन करूँगा, और यहाँ पे ये 5 रुपये डाल दिया मैंने, ये 5 रुपये डाल दिया, देखते हैं कितना वाटेज ये कंज्यूम करता है नंबर 5 पे। यहाँ पे देख सकते हैं 26 वाट ये कंज्यूम कर रहा है। नंबर 4 पे देखते हैं कितना वाटेज ये कंज्यूम कर रहा है, वो 24 वाट कंज्यूम कर रहा है। और नंबर 3 पे देखते हैं कितना वाटेज कंज्यूम कर रहा है, ये नंबर 3 पे डाल दिया मैंने, 15 के आसपास गया। और नंबर 2 पे देखते हैं क्या होता है, ये नंबर 2 पे डाल दिया मैंने, ये देखो ये 12 वाट के आसपास, 10 वाट के आसपास ले रहा है, 9-10 वाट के आसपास ले रहा है। नंबर 2 पे ये घूम रहा है अच्छे से, और यहाँ पे इसके स्मार्ट मोड वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। मतलब ये आप, मेरे को लग रहा है अगर आप इसको दबाओगे तो 1 घंटे बाद बाद ये थोड़ा सा धीमी होगा, एक एक कम करके करके ये धीमी होगा, ये एटम भर के जैसे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमर वगैरह 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे लगा सकते हैं। और ये एलईडी का फंक्शन, ये रिमोट का फंक्शन भी दिखा दिया, और यहाँ पे वाटेज कंजम्पशन आपको दिखा दिया। अगर इस फैन को आप लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर इस फैन को आप लेना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इसका बिल्ड क्वालिटी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और इसका प्राइस भी 2300 रुपये है। अगर आपके पास कुछ भी पड़ा हुआ मतलब इंडक्शन वाला फ़ैन है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप नया लेना चाहते हो तो ये नया ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो ड्राइवर बोर्ड मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड नहीं कर रहा। अगर आपको इसका पसंद आए तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। 16 के रिगार्डिंग, बियर्ड इस फैन के रिगार्डिंग, मतलब आपके घर के कंजम्पशन के बारे में जो कुछ भी चाहिए इस चैनल से आपको मिल जाएगा। आज के लिए वीडियो इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक थम्स अप कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कीजिए नए नए अपडेट पाने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।